सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे बीच में चर्चा के इस सत्र में त्रिपुरा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्वागत करती हूं। नमस्कार सर। थैंक यू मैडम। आज जो चर्चा का विषय है, जांच सूची और निर्धारण मापनी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से अनुरोध करती हूं कि हमारे दर्शकों को जांच सूची क्या है, निर्धारण मापनी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जांच सूची होती क्या है और इसका किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। धन्यवाद मैडम। पहले हम जांच सूची के बारे में समझते हैं कि जांच सूची होती क्या है जी, उसके बाद हम जो है निर्धारण मापने के बारे में चर्चा करेंगे जी, क्योंकि इसमें आपस में संबंध है जी। जिस उपकरण की सहायता से किसी व्यक्ति में उपस्थित या छात्र में उपस्थित या अनुपस्थित गुणों, व्यवहारों या योग्यताओं के बारे में हम जानते हैं, उसके लिए जब आंकड़ों का संकलन करते हैं तो उसे हम जांच सूची कहते हैं। जांच सूची में कुछ गुण या कुछ कथन दिए हुए होते हैं या उस योग्यता के बारे में कुछ कथन होते हैं जिसका आप मापन करना चाहते हैं जी। निर्धारक, जिसको हम रेटर कहते हैं, निर्धारक को जांच सूची में दिए गए गुणों के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया सही अथवा गलत या हाँ या नहीं में के रूप में देनी होती है। निर्धारक के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के आधार पर एक व्यक्ति या छात्र में उपस्थित या अनुपस्थित गुणों या उसके व्यवहारों या योग्यताओं का मापन किया जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं जी। जैसे कि आप देख पा रही हैं स्लाइड में जी, जांच सूची में हम क्या करते हैं, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक व्यक्ति में कौन से गुण हैं और कौन से गुण नहीं हैं। तो मान लीजिए आपने कुछ एक सकारात्मक गुणों की और कुछ नकारात्मक गुणों की एक सूची तैयार की। सकारात्मक गुण हैं सामाजिकता, ईमानदारी, सहयोगी, समय का पाबंद, साहसी, नेतृत्वशीलता। और कुछ नकारात्मक गुण आपने बनाए, शंकालु, झगड़ालू, आक्रामक, चोर, शर्मिला। अब आपके सामने एक समस्या है कि आप एक कक्षा नायक का चुनाव करना चाहते हैं, क्लास मॉनिटर का चुनाव करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक ऐसे छात्र का चुनाव करना चाहेंगे जो ईमानदार हो, साहसी हो, समय का पाबंद हो, सत्य बोलने वाला हो, नेतृशील की क्षमता हो। आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि चोर, झगड़ालू वाला जो छात्र है, जो शर्मिला है और आक्रामक व्यवहार करता है, लड़ता झगड़ता है, ऐसे छात्र को आप नहीं बनाना चाहेंगे। लेकिन आपके सामने ये समस्या है कि ये जाने कैसे कि कौन से छात्र में सकारात्मक गुण हैं, नकारात्मक गुण हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक जो आपको स्लाइड में ये सूची दिख रही है, सूची बनाई और क्लास के सभी छात्रों को दे दी और उनसे कहा कि बताओ जी, ये राम जो छात्र है इसमें दी गई सूची में कौन कौन से गुण उपस्थित हैं। उपस्थित गुणों पे आप जो है टिक लगा दीजिए जी। ठीक है, तो वो जैसे कि अगर राम जो है ईमानदार है तो ईमानदार पर टिक लगा देंगे जी, बिल्कुल। ठीक है, राम में अगर साहस का गुण है तो वो साहस पर टिक लगा देंगे। अगर राम आक्रामक है तो आक्रामक पर टिक लगा देंगे। जैसे राम आक्रामक नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे। जैसे राम चोर नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमको ये मालूम पड़ता है कि कौन से गुण हैं और कौन से गुण नहीं है। तो जांच सूची वह उपकरण है जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि किसी छात्र में कौन कौन से गुण उपस्थित हैं और कौन कौन से गुण अनुपस्थित हैं, यानी कौन कौन से गुण उसमें हैं जी। सर, थोड़ा सा इस बात में भी रोशनी डालिए कि जांच सूची का प्रशासन जो है वो कैसे किया जाएगा। मैडम, जांच सूची का प्रशासन करना बहुत सरल है जी। आप उसको सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं। जैसे कि 50 छात्रों की कक्षा है, अच्छा, आप जहाँ सूची बनाई आपने और 50 छात्रों को एक साथ दे दीजिए, अच्छा, और उनको निर्देश दे दीजिए उनको क्या क्या करना है, तो वो उन उपस्थित गुणों पर सही का निशान लगा देंगे और जो गुण उपस्थित नहीं है उसको क्रॉस कर देंगे या खाली छोड़ देंगे। आप उसको व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। जैसे कोई छात्र है उसको भरने में कोई दिक्कत हो रही है, जैसे कि दृष्टिबाधित छात्र है, उसको देखने में परेशानी है, तो ऐसे छात्रों को हम जो है व्यक्तिगत रूप से बुला करके उनको प्रश्नावली को प्रशासित कर सकते हैं। मौखिक रूप से हम करवा सकते हैं, मौखिक रूप से उसको बता सकते हैं कि ये गुण है, बताओ ये है कि नहीं। तो वो गुणों को, दसवीं छात्र गुणों को समझेगा बिल्कुल और उस पर टिक लगा देगा बिल्कुल। तो जिनको समस्या है जी, तो उनको हम जो है व्यक्तिगत रूप से उन पर जो है जांच सूची को प्रशासित कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से हो सकती है, एक सामूहिक रूप से भी और एक व्यक्तिगत रूप से भी।
पहुंचे। सर, इस प्रणाली में इस जांच सूची के क्या दोष भी हो सकते हैं या सिर्फ इसमें लाभ ही लाभ है, या लाभ क्या है, दोष क्या है, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए। मैडम, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ उसकी लाभ होते हैं, कुछ हानियाँ होती हैं। लेकिन उससे आने से, इस पर आने से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ कि जांच सूची में जो अंकन होता है वो गुणात्मक पदों में होता है। अच्छा। क्योंकि प्रतिक्रिया हमें कैसे मिलती है, गुण उपस्थित है या नहीं है, सही है या गलत है, हाँ या नहीं, तो ये सारी चीज़ें एक वर्णनात्मक शब्द हैं। अच्छा। आंकिक नहीं है। अच्छा, ठीक है। अगर आंकिक होंगे तो उसको हम संख्यात्मक बोलेंगे, मात्रात्मक बोलेंगे, क्योंकि यस नो के रूप में मिलने तो ये सब गुणात्मक पद, स्कोरिंग जो है इसकी, अंकन जो है गुणात्मक पदों के रूप में होता है। अच्छा, अच्छा। और दूसरा, ये एक इसमें व्यक्तिनिष्ठता की थोड़ी संभावना रहती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपसे किसी के अच्छे संबंध हैं तो आप उसे अच्छी रेटिंग कर देंगे, बिल्कुल बता देंगे ये ईमानदार है, ये जी, है वो जी, और जी। आपसे किसी अच्छे संबंध नहीं तो अनावश्यक रूप से कह देगा कि ये झगड़ालू है, ये आक्रामक है, थोड़ा सा बायसनेस उसमें थोड़ी सी रह सकती है। और शिक्षक के लिए लाभ ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि छात्र ना केवल भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करते हैं, बल्कि प्रत्येक छात्र का अपना सोचने का अलग तरीका होता है। तो जैसे आपको मालूम है इसका उद्देश्य क्या है, उपस्थित एवं अनुपस्थित गुणों को जानना, ठीक है। जैसे आपने, आपके विद्यालय में को करिकुलर एक्टिविटी के अंतर्गत एक नाटक का आयोजन हो रहा है, ठीक है, और हर नाटक का एक नायक होता है और एक नायिका होती है, बिल्कुल, है कि नहीं। तो जो दर्शक हैं, दर्शक मान लीजिए छात्र हैं, तो दर्शकों ने, छात्रों ने नायक में कौन कौन से गुण देखे, नायिका में कौन कौन से गुण देखे, ठीक है। तो एक गुणों की एक सूची बना लेंगे जी। जो परीक्षक है वो सूची बना लेगा, बोलेगा कि आपने नाटक देख लिया, आपने बताओ नायक में आपने कौन कौन से गुण देखे, क्या क्या गुण देखे, ठीक है। नहीं, जैसे नायक ने कोई सत्यता का कोई उदाहरण प्रस्तुत किया हो तो उसको सत्य को परसीव करेंगे, सत्य पर नायक में सत्यता का गुण है, नायक ने किसी जगह पर वीरता का परिचय दिया, ठीक है, नहीं तो बता देंगे नायक वीर था, वीर था, ठीक है। नहीं, और कोई पात्र कहीं पर ऐसा है कि नायक को जो है झूठ बोलना पड़ा हो तो कहेंगे कि नायक में झूठ का भी गुण था, मिथ्याभाषी है, ठीक है। तो अलग अलग छात्र, अलग अलग छात्र का अलग अलग परसेप्शन होगा। जैसे नायिका है, ठीक है, नायिका बारे में जैसे कोई छात्रा है, वो क्या परसेप्शन करेगी कि नायिका ने सजावट कैसे की है, तो वो कहेगी कि ये मतलब जो है साज सज्जा ज्यादा पसंद करती है, नायिका ऐसी है, ठीक है। या फिर ऐसा कोई हो जैसे कि यहाँ पे नाचने गाने का कोई अवसर आया हो नायिका के द्वारा, तो वहाँ पर ऐसा छात्र, हाँ, नृत्य कला कैसी है, तो जो छात्र जो है नृत्य कला में थोड़ा इंटरेस्ट रखता होगा वो बताएगा कि जो है नृत्य कला में माहिर है, अगर नृत्य कला का कोई उसमें ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है जान सकते हैं, और इसके द्वारा ना केवल अच्छे गुणों बल्कि बुरे गुणों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो जैसे ही हमको लगता है कि इसमें झगड़ालू है, संकालू है, बोलने में दिक्कत है, तो उसका निर्देशन एवं परामर्श देके उन गुणों में, गुणों का शोधन एवं परमार्जन करके व्यक्तित्व को अच्छा बनाया जा सकता है। जी, जी, तो जी, ये इसके जो है शिक्षक के लिए एक लाभ है। लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं। जांच सूची में केवल ये पता चलता है कि गुण उपस्थित है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि उपस्थित गुण किस मात्रा में, किस मात्रा में, ठीक है। जैसे ईमानदारी का गुण हर व्यक्ति में होता है, किसी किसी व्यक्ति में है, किसी में नहीं है, किसी में कम। अब ये कोई व्यक्ति ज्यादा ईमानदार होता है, कुछ कम होते हैं, कुछ कम होते हैं, तो ये पता नहीं, अब ये तो पता चल गया कि ये आदमी ईमानदार है, लेकिन कितना है, कितना है वो परिणाम नहीं बता, वो पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस मात्रा को जानने के लिए हम जो है निर्धारण मापने का प्रयोग करते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। जब हमको केवल ये जानना हो कि, हमको केवल ये जानना है कि कौन से गुण उपस्थित हैं, कौन से गुण उपस्थित नहीं है, तब तो हम जांच सूची का प्रयोग करें। और जब ये मानना हो कि जो उपस्थित गुण है वो किस मात्रा में है, तो हम जो है निर्धारण मापने का प्रयोग करें, जिसको हम अंग्रेजी में रेटिंग स्केल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि ये निर्धारण मापनी होती क्या है, क्या होती है, ठीक है। तो पहले हम कुछ ऐसी परिस्थितियां बताते हैं, जैसे कि आप एक टीचर के रूप में आप रोजाना निर्धारण मापनी का प्रयोग करते हैं,
शायद ही ऐसा कोई दिन हो जो शिक्षक जो है निर्धारण मापनी का प्रयोग ना करता हो। अच्छा, ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन हम उसका ज्ञान नहीं है, संज्ञान नहीं है हमारे दिमाग में। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे माता पिता आते हैं, वो पूछते हैं सर मेरी बच्ची गणित में कैसी है, अच्छी है बुरी है, क्या है? बिल्कुल। तो आप कहेंगे नहीं, आपकी अच्छी है। अच्छी अच्छी है तो अच्छी बताया आपने, ठीक है। और गणित में कोई खराब है? नहीं, आपका बच्चा गणित में अच्छा नहीं, कमजोर है, कमजोर है, कमजोर। तो आप क्या कर रहे हैं? आप रेटिंग ही तो कर रहे हैं, रेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, जैसे नाटक हो रहा है, कौन से छात्र ने अच्छा नाटक किया, अच्छा नाटक पे मंचन किया, ठीक है। नहीं तो प्रधानाचार्य पूछ सकता है कि हाँ भाई आज नाटक हुआ, किस छात्र ने कैसा परफॉर्मेंस किया? सर उसने उत्कृष्ट किया था, लेकिन वो लड़का था ना दूसरा, वो अच्छा नहीं किया। नहीं, तो आप क्या किए, उसकी नाटक की परफॉर्मेंस के आधार पर भेद कर दिया कि अमुक बच्चा तो बहुत अच्छा किया और अमुक बच्चा नहीं कर पाया। तो जाने अनजाने में आप रेटिंग स्केल का प्रयोग करते हैं, निर्धारण मापने का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्चुअल चीजों को हम नहीं जानते। बिल्कुल। तो आइए समझते हैं कि निर्धारण मापनी होती क्या है। जी, थोड़ा विस्तार से इसको समझाएं, क्योंकि और साथ ही साथ ये भी बताएं कि जांच सूची और निर्धारण मापनी में अंतर क्या है और दोनों का इस्तेमाल हम कैसे अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपने पहले भी बताया कि मैडम जांच सूची में केवल गुणों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के बारे में जानते हैं, और निर्धारण मापनी से उपस्थित गुण की मात्रा के बारे में जानते हैं कि वो कितनी मात्रा में है, जैसे मौजूद है। जैसा कि आप जाने अनजाने में एक वर्ग मापनी अच्छा से लेकर बुरा तक जो फैली हुई है पर विभिन्न गुणों का निर्धारण करते हैं, जिसे हम निर्धारण मापनी कहते हैं। आइए निर्धारण मापनी क्या है इसको एक उदाहरण से समझते हैं। निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति या छात्र में उपस्थित गुणों की मात्रा, उसकी तीव्रता, व्यवहार की बारंबारता को निर्धारित करने का एक ऐसा उपकरण है जिसमें निर्धारक एक वर्ग मापनी पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है अपने अनुभवों के आधार पर। बिल्कुल, ठीक है। जैसे यह वर्ग मापनी सामान्यतः 3 बिंदु, 5 बिंदु या 7 बिंदु के पैमाने तक फैली हुई होती है। अच्छा। मैं आपको दर्शकों को समझाने के लिए 5 बिंदु मापनी का उदाहरण देता हूँ। 3 से 7 तक फैली हुई। हाँ, फैली। अच्छा। आप जरूरत के अकॉर्डिंग 3 बिंदु का प्रयोग कर लें, 5 बिंदु का कर लें, 7 बिंदु का कर लें, 7 बिंदु का। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या किस तरह के आंकड़े छात्रों के बारे में आप लेना चाहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, 5 बिंदु का हम उदाहरण देता हूँ। जैसे 5 बिंदु मापनी हो सकती है, जैसे उत्कृष्ट, अच्छा, औसत, बुरा, बहुत बुरा। बिल्कुल, ठीक है। तो किसी कोई गुण है, जैसे साहसी गुण है, कोई छात्र कितना साहसी है, तो कोई उत्कृष्ट होगा तो उस पर उत्कृष्ट पर निशान लगाया जाएगा जी। तो उसकी मात्रा आपको पता चल जाएगी कि कोई छात्र बहुत कम साहसी है, मतलब साहस इसमें अच्छा नहीं है या औसत दर्जे का साहस है। बिल्कुल, ठीक है। तो निर्धारण मापनी का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति या छात्र अपने साथियों, परिचितों या जिन व्यक्तियों के बीच में वो रहता है या अधिकतर उनके साथ समय व्यतीत करता है, वो लोग उसके प्रति कैसी छवि रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं, समूह में वे कैसी छाप छोड़ता है। जैसे जो व्यक्ति सबको पसंद होता है वो क्या बन जाता है, नेता बन जाता है। नेता बन जाता है। तो उसकी छाप कैसी है, अच्छी है, ये लीडर, छवि अच्छी है। लेकिन जाने कैसे कि इसकी छाप कैसी है, तो रेटिंग स्केल का प्रयोग करें कि अच्छी है कि बुरी है, कैसी है। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ, विद्यालय के प्रधानाचार्य के बारे में सबसे अच्छा तरीके से उसके गुणों के बारे में बताने वाले व्यक्ति हैं उसके सहयोगी अध्यापक, विद्यालय के छात्र, विद्यालय के अन्य कर्मचारी और पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट टीचर एसोसिएशन में वो भी आते मिलते रहते हैं। तो ये इनका आपस में संपर्क होता है जी। तो उस प्रधानाचार्य के बारे में दूसरे विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक उतनी अच्छी तरीके से नहीं बता सकते जितना कि उस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक बता सकते हैं। तो ये रेटर हैं। सही तरीके से निर्धारकों का चुनाव करना भी एक कला है, ये भी बहुत जरूरी है, मापने के लिए। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि ये पहचाने कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या है। टारगेट नहीं, तब नहीं आप जो है अच्छे आंकड़ों का संकलन आप नहीं कर पाएंगे। सर ये तो आपने बताया कि निर्धारण मापनी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके कई प्रकार भी होते हैं या सिर्फ या ये एक प्रकार की ही होती है कि निर्धारण मापनी एक ही तरीके की है और उसका ही सब जगह इस्तेमाल? तो थोड़ा सा इसके प्रकार जो हैं उन पर भी आप थोड़ी चर्चा करें, जिससे कि हमारे दर्शकों को ये भी स्पष्ट हो जाए कि ये कहाँ पर किस निर्धारण मापनी का इस्तेमाल किया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मैडम आपने जो है। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के निर्धारण मापने का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है ताकि परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग कर सकें। निर्धारण मापनी निम्नतः निम्न प्रकार की होती है। आंकिक निर्धारण मापनी,
आकृतिक निर्धारण मापनी, क्रम निर्धारण मापनी, बाध्य चयन निर्धारण मापनी, और भी होती हैं जी, लेकिन हम यहाँ पर इन चार प्रकार की निर्धारण मापनी का चर्चा करेंगे जी। आइए एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल। जैसे आंकिक निर्धारण मापनी आंकड़े संकलन करने की ऐसी मापनी है जिसमें कुछ कथन दिए हुए होते हैं। निर्धारक जिसको हम रेटर कहते हैं अपनी प्रतिक्रिया सहमति असहमति की मात्रा को कुछ निर्धारित अंकों के रूप में प्रकट करता है। अच्छा। सामान्यतः सहमत या असहमत होने की सीमा को 3, 5 या 7 अंकों के साथ तत्व पर क्रमबद्ध कर लेते हैं, जो अच्छा। वर्ग मापने के बिंदु मैंने पहले बताए थे। ठीक है, देखिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप जो है स्लाइड में देख पा रही हैं, मान लीजिए आपने राजेश के गुणों के बारे में कक्षा नायक से पूछा, राजेश एक बुद्धिमान छात्र है, तो उसे कहेंगे कि 5 बिंदु पैमाने पर फैली हुई है, जो 5, 4, 3, 2, 1 किसी एक पर जो है आप टिक करके बताइए। अच्छा। तो मान लीजिए कक्षा नायक ने 5 पे टिक किया, तो इसका मतलब है वो सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से सर्वश्रेष्ठ छात्र है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ प्रयोग किया है, प्रयोग यह है कि जो रेटर होता है उसको समझने में दिक्कत होती है कि ये 5 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, है कि नहीं? कभी कभी वो उल्टे में भी निशान लगा देते हैं। आपको पता नहीं क्या क्या समझेगा जो है, तो उसको जो है कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो इसका प्रयोग थोड़ा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर इसको आप कर रहे हैं तो आप 2 काम करें, एक तो इनकी परिभाषा बना ले 5 का मतलब क्या है, मतलब क्या 5 का मतलब उत्कृष्ट हो सकता है, और ये जो भर रहा है उसको क्लियर होना चाहिए, क्लियर स्पष्ट होना चाहिए कि 5 का मतलब क्या है, किस मात्रा वाला है 5। वैसे ये चीज अपनी समझ के लिए बनाते हैं, जो परीक्षक है वो अपनी समझ के लिए बनाता है। ठीक है नहीं? 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब संतोषजनक हो सकता है, ठीक है, या उत्कर्ष से कम हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक नहीं? जैसा भी आप परिभाषा गढ़ें आपकी समझने के लिए, पहले से आप जो है इसकी एक परिभाषा बना लें, तो आपको ना केवल अवलेखन में बल्कि कूट संकेतन में और अंकन में आपको जो है आसानी होगी, आसानी होगी। और फिर दूसरी है आकृतिक निर्धारण मापनी। जैसे कि पिछली वाले में बताया कि उसमें अंक होते हैं, दिक्कत होती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए आकृतिक निर्धारण मापनी आई। आकृतिक निर्धारण मापनी वह मापनी है जिसमें कुछ कथन या गुण दिए होते हैं, निर्धारक को अपनी सहमति या असहमति की अभ्यक्ति अंक के रूप में नहीं देनी होती है, वरन कुछ वर्णात्मक संकेत के रूप में प्रकट करनी होती है। अच्छा। निर्धारक वर्णात्मक संकेतों के ऊपर सही का निशान लगाकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। आइए आकृतिक निर्धारण मापनी को एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी अध्यापक से विद्यालय प्रधानाचार्य के कुछ गुणों के बारे में पूछा जाए, तो वह अपने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया वर्णात्मक संकेतों के रूप में देगा जी। और इसके लिए हमने 5 बिंदु एक वो बना ली। अच्छा। ठीक है, जैसे बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक, खराब, बहुत खराब। जैसे हमने पूछा, भाई बताओ संप्रेषण कैसा है, यानी बोलने चालने का तरीका इनका कैसा है आपसे, तो जैसा वो परसेप्शन करेगा कि संतोषजनक है, कोई शिक्षक कहेगा कि भाई नहीं उत्कृष्ट है, जैसा वो समझेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है नहीं? बिल्कुल। अच्छा बताइए प्रबंधन कैसा है, प्रबंधन कोई कह सकता है भाई संतोषजनक है, संतोषजनक। कोई कह सकता है कि नहीं बहुत खराब है। तो जैसा वो परसीव करते हैं समझते हैं उस हिसाब से एक वर्णात्मक संकेत के ऊपर टिक करके जो है अपनी प्रतिक्रिया दे देता है, तो हमसे पता चल जाता है कि पार्टिकुलर जो गुण है वो किस मात्रा में है। ठीक है नहीं? जैसे प्रबंधन है वो किस मात्रा में, खराब है, संतोषजनक है, बहुत अच्छा है, कैसा है। तो ये हम ठीक ठीक तरीके से यहाँ पे जो है प्रधानाचार्य के बारे में जो है मतलब सही आंकड़ों का हम जो है संकलन हम कर सकते हैं। तो एक तीसरी और है, वो है क्रम निर्धारण मापनी। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि इससे हमको किसी गुण की मात्रा के बारे में पता चलता है, तो क्रम निर्धारण वह निर्धारण मापनी है जिसमें हम गुणों को एक क्रम प्रदान करते हैं। बिल्कुल। ठीक है नहीं? कुछ एक गुणों की एक सूची तैयार कर ली और हम कहेंगे कि भाई ये सूची है, बताइए कि कौन सा गुण किस मात्रा में है। बिल्कुल। ठीक है, जो सबसे अधिक मात्रा में उसको 1 अंक दीजिए, उससे कम है उसको 2 अंक दीजिए, उससे कम मात्रा में उसको 3 अंक दीजिए, उससे और कम मात्रा में उसको 4 दीजिए। तो जितने भी वो नीचे जो गुण दिए गए हैं मतलब उसके मात्रा के क्रम में आप जो है घटते स्तर पर या बढ़ते स्तर पर जैसा भी आप समझे, सबसे ज्यादा है उसको 1 दीजिए और सबसे कम है उसको 5 मतलब मान लीजिए जैसे 20 गुण है, सबसे ज्यादा है उसको 1 दीजिए और सबसे कम है उसको 20 दे दीजिए। तो इस तरह से 1, 2, 3 करके आप चले जाते हैं। देखिए आइए इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं मैडम। जैसे कि एक शिक्षक से प्रधानाचार्य के गुणों के बारे में पूछा है, बताओ भाई कौन कौन से गुण हैं और इनको क्रम दीजिए,
तो आप देख पा रही हैं कि जो है न्यायप्रियता को जो है नंबर एक क्रम दिया गया है, कि मतलब सबसे ज्यादा मतलब जस्टिफाइड है, जुडिशियस है वो, प्रधानाचार्य जुडिशियस है, न्यायप्रिय है, जबकि 7 नंबर संकालु को दिया गया है, यानी प्रधानाचार्य शर्मीले नहीं है, ठीक है। नहीं तो इससे पता चल गया कि जो है जैसे कि अनुशासन का जो गुण है वो नंबर 2 पे है, ठीक है। तीसरा गुण जो है कर्तव्य परायणता पे है, कर्तव्य परायणता, तो इससे पता चल जाता है कि गुणों का क्रम क्या है, गुणों की तीव्रता बारंबारता कैसी है, कौन सा गुण सबसे ज्यादा है, कौन सा घटते बढ़ते क्रम में है, तो इसका आप जो है अंदाजा आप जो है क्रम निर्धारण मामले से आप लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति में कौन से गुण किस कितनी मात्रा में और किस क्रम में मौजूद है। बिल्कुल। एक और है बाध्य चयन निर्धारण मापनी, यह वह मापनी है जिसमें किसी गुण या योग्यता से संबंधित 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, अच्छा, या 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, सामान्यतः हम 4 रखते हैं, ठीक है। अब इसको बाध्य चयन मापनी क्यों कहते हैं ये समझ लें, क्योंकि 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से कोई एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना है, अच्छा, 5वां नहीं कर सकते, अच्छा, क्योंकि 4 विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने के लिए हम बाध्य हैं, उन्हीं 4 में से एक का करना है, इसलिए इसको बाध्य चयन मापनी कहते हैं, बाध्य निर्धारण मापनी कहते हैं इसको। देखिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं हम, जो है राम के पिता से ये पूछा जाए कि राम अवकाश के समय में क्या करना पसंद करता है, आप हमें ये बताइए, हमने 4 विकल्प बनाए, आ खेलना, ब अध्ययन करना, स पर्यटन करना, द व्यायाम करना, तो राम के पिता इन 4 विकल्पों में से ही एक विकल्प चुनने के लिए बाध्य हैं, 5वां नहीं चुन सकते, इसका दायरा सीमित है, दायरा सीमित है। मान लीजिए राम के पिता ने कहा कि राम जो है अध्ययन करता है, तो आपको पता चल गया कि राम अवकाश के समय में अध्ययन करना पसंद करता है, वो खेलने नहीं जाता है, पर्यटन पे नहीं जाता है, व्यायाम नहीं करता है, वो अध्ययन करता है, तो इस तरह से जो है इस मापनी का प्रयोग, बाध्य चयन निर्धारण मापनी का प्रयोग हम जो है कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत इसका जो दायरा है वो संकुचित हो जाता है, क्योंकि जो 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं उन्हीं में से ही चयन करना है आपको, अपने तरफ से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सर थोड़ा सा इसमें भी बताएं कि इसमें त्रुटियां क्या हो सकती हैं और कहां तक इसमें क्या सीमाएं क्या है इसकी। देखिए मैडम, जो कमी जांच सूची में थी जी, व्यक्तिगत पसंद ना पसंद वो यहाँ पे भी है, निर्धारण में, निर्धारण मापनी में है, तो उसकी कुछ टाइप में बता देता हूँ कि कुछ व्यक्तियों में आदतें होती हैं, वो उस तरह की गलती करते ही हैं, ठीक है, उसको पहचानना है हमको। जैसे प्रवेश प्रभाव, जिसको अंग्रेजी में हेलो इफेक्ट बोलते हैं, जैसे किसी छात्र के साथ में आपका मधुर संबंध है, ठीक है, नहीं हाँ, तो आपका मधुर संबंध है और उसकी पेंटिंग का जो है उसका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में पेंटिंग लगी है और उसको जो है रेटिंग करनी है, तो आपके मधुर संबंध है तो उत्कृष्ट उसको दे देंगे, हो जाएगा जो है। और मान लीजिए किसी छात्र से जो है आपके संबंध अच्छे नहीं है, उसको आप जो है नीचा रेटिंग कर देंगे, और कितना भी अच्छा उसका क्यों ना हो काम, लेकिन हम उसको रेटिंग नीचे कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत पक्षपात है वो इन आंकड़ों में रहता है, आ जाता है। और एक और मैडम जो है त्रुटि होने की, वो है कठोरता की त्रुटि, ठीक है, कठोरता की त्रुटि, ये क्या है कठोरता, कठोरता क्या है कि कुछ व्यक्तियों में आदत है कि वो हमेशा कम नंबर देते हैं, चाहे कितना वो अच्छा हो, ठीक है, जब व्यक्ति में सभी व्यक्तियों, वो ऐसा नहीं एक व्यक्ति को दे रहा है, सभी व्यक्तियों में उनके गुणों को नीचा रेट करने की उसमें हैबिट ही है, होती है कुछ लोगों में जो है वो कम ही नंबर देते हैं, कम ही आंकते हैं, तो इस तरह की त्रुटि को हम कठोरता की त्रुटि कहते हैं। जैसे कोई छात्र है पंक्चुअल है, तो किसी में मतलब आदत होगी ना कमरे, वो कहेगी पंक्चुअल तो है लेकिन थोड़ा कम है, क्योंकि वो वास्तव में जो है ज्यादा है, ज्यादा पंक्चुअल है, तो ऐसी उसमें हैबिट है, और ज्यादा भी अगर मान लीजिए लगा रहे हैं तो उसमें एक मात्रा निर्धारित नहीं हो पा रही, ज्यादा कितनी ज्यादा, कितनी ज्यादा, कितनी ज्यादा, कितनी कम जी। तो एक होती है उदारता की त्रुटि, उदारता की त्रुटि यह है कि व्यक्तियों में आदत होती है चलो कोई बात नहीं, इसको एक्सीडेंट दे दो, ठीक है, नहीं उसमें अंदर से हैबिट है उस रेटर में जो है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसका हम आंकड़ों का संकलन कर, तो इसे हम जो है उदारता की त्रुटि कहते हैं। और एक है केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि वो होती है चाहे आपका कार्य अच्छा है चाहे बुरा है, उसकी एक रेंज होती है, वो उसी में रेट करता है, वो ना तो उत्कृष्ट देगा ना बहुत खराब देगा, वो कहेगा संतोषजनक है, थोड़ा ठीक ठाक है, ऐसे करके जो है बिल्कुल, वो रेटिंग करते हैं। जैसे कि आप जो है विद्यालय, पिछले विद्यालय जीवन में मैं आपको लेने चलता हूँ,
या आपके जो विद्यालय में जो साथी टीचर हैं उनमें भी कुछ हैबिट होगी कि कुछ लोग जो है 40-50% के बीच में नंबर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं? कुछ बहुत उदार होते थे कि उनके हाथ से नंबर निकलते निकलती नहीं है ठीक है। तो वो फेल भी नहीं करेगा और आपको जो है बहुत अच्छे भी नंबर नहीं देगा। तो ऐसे भी रेटर होते हैं बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि अगर आप संभव हो आंकड़ों संकलन करते समय ऐसे व्यक्तियों की आप पहचान कर लें ठीक है। अब पहचान करने के पश्चात उनको बता दें कि भाई हमारा उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य सही आंकड़ों का संकलन करना जी, है ठीक है। बिल्कुल। और इन आंकड़ों का प्रयोग हम जो है विद्यालय प्रांगण को, विद्यालय प्रक्रिया को, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हम प्रयोग करेंगे ठीक है। तो अगर आप सही आंकड़े नहीं देंगे तो हम जो है सही चीज़ों को जान कैसे पाएंगे, तरीके से हम समझ कैसे पाएंगे। बिल्कुल। तो जो है इस तरह से अपने उद्देश्यों को बताकर गुणों की परिभाषा उनको बता दीजिए, गुणों का मापन कर रहे हैं उनकी एक परिभाषा बना लीजिए। क्योंकि गुण क्या है, व्यक्तिगत है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग परसेप्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैंने सत्य का उदाहरण बताया, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए झूठ बोला तो कुछ व्यक्ति कहते हैं नहीं ये झूठ नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है। क्योंकि इसके झूठ ने किसी व्यक्ति की जान बताई। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सत्य असत्य है तो असत्य है, ये भी बात मानते हैं असत्य है। तो आप ये सत्य की परिभाषा थोड़ी उसको बता दें भाई हमारा सत्य से ये मतलब है, तो वो सत्य को अच्छी तरीके से समझेगा और उस परिभाषा को जिस व्यक्ति के गुणों के बारे में हम मूल्यांकन और डाटा लेना चाहते हैं उसको अप्लाई करके देखेगा, तब वो सही तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे पाएगा, माप सकते हैं। तो आज आपने निर्धारण मापनी और जांच सूची के विषय में ये हमारे विषय विशेषज्ञ से सीखा कि कहाँ पर हम किस तरीके से जांच सूची और निर्धारण मापनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन व्यक्तिगत पक्षपात दोनों जगह आ सकता है, क्योंकि चूँकि मनोविज्ञान में कहा जाता है कि मानव जो मन है वो अपने आप में स्थायी नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल व्यक्तिक विभिन्नता आ जाती है आंकड़ों के संकलन में। तो इन सब चीज़ों को लेकिन दूर करके हम इन निर्धारण मापनी और जांच सूची का इस्तेमाल आंकड़ों के संकलन में कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी इस चर्चा से मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक लाभान्वित हुए होंगे। इसी के साथ इस सत्र की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर।